seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to. Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing great. और आज मैं TST के एरिया में हूँ, यहाँ पे मैं रहती भी हूँ और यहाँ से करीब जितने भी एरियाज थे, तो आई थॉट कि मैं आप लोग को भी वो एक्सप्लोर कराती हूँ. ये जो TST का एरिया है, ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत ही ओल्डेस्ट भी है. यहाँ पर ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है. तो इधर डिफरेंट एरियाज़ हैं, कुछ हिडन स्पॉट्स हैं ऐसे जो लोगों को इतना पता नहीं होता. तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ और ख़ुद भी एक्सप्लोर करती हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई हूँ 1881 हेरिटेज में. ये जगह पहले मेरिन पुलिस का हेडक्वार्टर हुआ करती थी और अब इस जगह में काफ़ी लग्जरी शॉप्स बन गई हैं. इनका अपना होटल भी है और इन्होंने ऊपर एक गैलरी बनाई हुई है जो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ. तो ये थोड़ा सा मतलब कि हिस्टोरिक साइट के लिए, और इसमें 1969 की काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं. ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये सारे अवार्ड्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं. तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाती हूँ और फिर बाहर कैसे ये दिखाती हूँ. कीप ऑन वॉचिंग. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. अभी मैं यहाँ से अंदर एंटर हुई हूँ. तो मैंने आपको फाउंटेन वाला एरिया दिखाया था और इधर काफ़ी मज़े की चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ. अच्छा, ये टाइफून गन्स हैं. ये पहले वक्तों में यूज़ होती थी लोगों को नोटिफिकेशन देने के लिए जब तूफान आने वाला होता था. फिर 1907 में इसको रिप्लेस कर दिया सिग्नल रॉकेट्स से, क्योंकि उसकी आवाज़ ज़्यादा होती थी. और 1937 में इवेंचुअली फिर रेडियोज़ आ गए, न्यूज़पेपर, फिर लोग उस पर रिलाई करते थे. और ये जो है ना, ये एक स्टोन का सैम्पल उन्होंने रखा हुआ है कि पहले वक्तों में जो वॉल्स हैं वो इससे बनी होती थी. और ये दूसरी साइड पे इन्होंने सेल्फ गाइडेड टूर के लिए डायरेक्टरी बनाई हुई है. इस पे ये कार्ड्स हैं, इन पे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है. दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन रीड डिटेल्स अबाउट इट. और उसके अलावा ये वाला जो है, ये टाइम बॉल टावर है. मैं आपको चल के भी ये दिखाती हूँ. और इस तरफ जो है ना, वो मेंटेनेंस हो रही है. चलें आगे चलते हैं. ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1969 में लोग किस तरीके से जाते थे. पीछे इतने सारे अवार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं. और इधर ये देखें, ये भी सारी शील्ड्स वगैरह रखी हुई हैं. आई डोंट नो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन जो है अभी मैं यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर पे आ गई हूँ. ये इसका जो है वो फर्स्ट फ्लोर है. और फर्स्ट फ्लोर से ऊपर अगर आप देखें, मेरे ख्याल में ये वाला सारा जो होटल है ना, ये वो है. और इसके जो फर्स्ट फ्लोर पे ये सारे आप जो शॉप्स देख रहे हैं, जो लग्जरी शॉप्स की मैं बात कर रही हूँ, ये ऊपर सारी शॉप्स बनी हुई हैं. आई थिंक ये सारी शॉप्स अभी बंद है. तो यहाँ हांगकॉन्ग में दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है 17 मार्च से, हमने सुना है. और उसकी वजह से जो है काफ़ी सारी जगहें भी यहाँ पर बंद की हुई हैं, क्योंकि कोविड केसेस ज़्यादा हो रहे हैं. और इसी वजह से आजकल मैं वीलॉग भी अपने स्लो स्लो डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा जाने के स्पॉट्स हैं नहीं, आधी जगहें बंद होती हैं. सिवाय जो हाइकिंग एरियाज़ हैं वो खुले में, तो इसीलिए इतना ज़्यादा घूमना फिरना मेरा भी नहीं हो रहा. तभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है प्रोसेस. और बाकी है कि मैं आप लोग को ये जगहें दिखाती हूँ, चले अभी नेक्स्ट स्पॉट पर चलते हैं. तो उसके जो सेकेंड फ्लोर है, अभी मैं वहाँ पर आई हूँ. मैंने कहा यहाँ पर भी देख लूँ क्या क्या है, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से. ये देखें, यहाँ पर भी ये रखी हुई है. अच्छा, ये अभी हम लोग इसके सेकंड फ्लोर पे हैं. तो वहाँ पे आप जो देखें,
ये वाला नज़र आ रहा है, ये टाइम वॉल टावर है। अभी मैंने इसको नीचे जो पड़े हुए थे ना ब्रोशर्स, उसमें मैंने देखा था इसको। यहाँ से चलते हैं। ये तो कोई आर्ट गैलरी लग रही है। ओ वाओ यार, ये तो बहुत ही कूल नहीं है? ये देखो तो प्यारा डाइनिंग टेबल है। हाँ, ये खूबसूरत माशाल्लाह डाइनिंग है। हाँ, और ये देखेंगे आर्ट गैलरी है। इस पेंटिंग का नाम है शेडो ऑफ द मॉर्निंग सिटी और नीचे वाली है लाइट ऑफ द ग्रीन लेक। और ये देखें हांगकांग के पंखे। क्या स्टाइलिश पंखे हैं यहाँ के। चलिए हम आगे निकलते हैं और दूसरी जगह देखते हैं। इसे कहते हैं टाइम बॉल टावर। तो ये अंदर जाते साथ ही लेफ्ट पे ऊपर स्पाइरल स्टेयरकेस है और यहाँ पे ऊपर मैकेनिज्म डिस्प्ले हुआ हुआ है कि इसके जो ऊपर एक बॉल रखी हुई है वो बॉल किस तरीके से ड्रॉप करते थे 1 बजे के टाइम पे, और इससे टाइम पता चलता था। और यहाँ पे आप ये देखें इसके अंदर इधर इलस्ट्रेशन गिवन है कि टाइम बॉल किस तरीके से काम करती थी और सी फेयरर्स इसको किस तरीके से यूज़ करते थे पुराने वक्तों में। तो गाइज हमें पता नहीं था कि वहाँ पे जाके इतनी भूख लग जाएगी। मुझे लगा बस थोड़ा सा एरिया घूम फिर के मैं वापस आप लोगों को और जगहें दिखा दूँगी, पर अभी एक ही दिखाई है मैंने और भूख लगने लग गई है। तो पहले कुछ खाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दोबारा लेकर जाती हूँ। तो हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पर, ये सिद्दीक मेस हलाल फूड है और अभी हम लिफ्ट का वेट करें। ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह बंद है। चले जी, बैड लक हो गई है, वो जगह बंद थी और अभी हम लोग घर के करीब ही थे जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो हम घर जाके खाने वाले। इन्होंने बताया कि 6 बजे खुलेगा, अभी 5 बज रहे हैं और 6 बजे भी जो है वो टेक अवे खुलेगा, डाइन इन बंद हुआ है। तो इससे अच्छा हम लोग घर जाके खा लें क्योंकि इस वक्त भूख लगी हुई है, 6 बजने का वेट नहीं कर सकते। और अब मैं दोबारा आई हूँ बाकी का व्लॉग कम्प्लीट करने के लिए। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो ये हेरिटेज है, यहाँ मैं आप लोग को लेकर गई थी और अब यहाँ से रोड से चल के मुझे जाना है उस तरफ और वहाँ से लेफ़्ट पे जाना है। सामने जो है वो पूरा फेरी पियर है, तो वहाँ से फेरीज़ वगैरह मिलती हैं और उधर से मैं आप लोगों को लेफ़्ट पे लेकर जाऊँगी। ये जो सामने आप सारा देख रहे हैं ये स्टार फेरी हार्बर है और वो एक हेलीकॉप्टर जा रहा है जिसका शोर है। अच्छा, ये सामने फेरी हार्बर है और इसी के साथ ये आप लोग देखें ये आ गया क्लॉक टावर। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है, ये भी एक मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे पहले रेलवे स्टेशन था और वो अब ख़त्म हो गया है। यहाँ पे ये जो आप लोग अभी मैंने रोड दिखाई ये पूरी कैंटन रोड है, तो कैंटन रोड पे ही हेरिटेज भी है और उसी से आगे आके जब आप लेफ्ट पे दूसरे रोड पे आते हैं तो वहाँ से ये क्लॉक टावर आ जाता है और ये हर एक घंटे के बाद इसकी बेल भी बजती है एंड यू कैन गो अपस्टेयर्स एज़ वेल। अभी तो कोविड की वजह से ये सब बंद हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ से ना ऊपर जाने का भी रास्ता है, अंदर स्टेयर्स हैं मैंने सुना है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक और इसका मॉन्यूमेंट है और अब जैसे आप देख लें वहाँ पर ये देखें पानी में, यहाँ से सारा पूरा बे साइड भी है, ये फेरीज भी चल रही हैं और अभी मैं आप लोगों को यहाँ से और लेकर जाने वाली हूँ लेफ्ट साइड पर। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट और क्या क्या है। तो ये इसके बारे में डिटेल है, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन पॉज द स्क्रीन और आप ये पढ़ सकते हैं। इसकी जो ब्रिक्स हैं वो रेड ग्रेनाइट है जिससे ये बना हुआ है और अभी मैं यहाँ से आगे जाने वाली हूँ। अच्छा, ये वाली जगह मुझे बहुत ही पसंद है, इस पे आप ये देखें ट्रीज़ देखें इतने खूबसूरत लगते हैं, पूरा रास्ता बना हुआ है इसके बीच का। सो आई रियली लव दिस। अभी मैं अकेली आई, अदरवाइज अगर अपने हस्बैंड को साथ लेकर आई होती तो यहाँ पे मैं पिक्चर ज़रूर बनवाती, पर खैर कंट्रोल कंट्रोल
आगे जा रही हूँ अभी मैं। अच्छा अभी मैं आप लोग को एक जिस जगह पर लेकर जा रही हूँ वो एवेन्यू ऑफ स्टार्स उसे कहते हैं, और वहाँ पे जितने भी फेमस स्टार्स और सेलिब्रिटीज इनके गुजरे हैं या कोई जो फेमस बंदे उनके हैंड प्रिंट्स हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे माना यह जाता है इनके कल्चर में कि अगर किसी को ब्लेसिंग्स लेने हैं और गुड लक के लिए तो ये उन्हीं के हाथ के जो निशान हैं उसके ऊपर जाके अपने हाथ रखते हैं। तो अब मैं ये वाला पूरा रास्ता वॉक करके आई हूँ, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से सारा पूरा बे नज़र आता है। तो ये देखें सामने बे साइड है। अच्छा ये बड़ी ही प्यारी जगह है, यहाँ पे मैं रोज़ाना वॉक करने के लिए भी आती हूँ सुबह सुबह के टाइम पे। यहाँ पे आप रनिंग करें, वॉक करें, यू कैन डू एक्सरसाइज एनीथिंग यू वांट। तो काफ़ी मज़े की जगह है, आराम से आप एक्सरसाइज करें खुली हवा में, लेकिन मास्क तब भी नहीं उतार सकते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अच्छा चलें, ये पीछे आ गई बे साइड। मुझे TST में रहना इसीलिए पसंद है क्योंकि यहाँ करीब सारी चीज़ें हैं। अच्छा यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऑब्जर्वेटरी व्हील है जो मैंने आप लोग को अपने एक व्लॉग में भी दिखाया था, बट इट्स नॉट क्लियरली विजिबल एट द मोमेंट। ओके आगे चलते हैं। ये मैंने पहली दफ़ा देखी है कि यहाँ से फेरी जा रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जो मैंने आज खुद पहली दफ़ा देखी है यहाँ पर। और अब मैं आगे जा रही हूँ वॉक कर करके, सांस फूल गई है मेरी। हाय ओके गाइस, तो अब मैं जिस जगह पे आई हूँ उसको एवेन्यू ऑफ स्टार्स बोलते हैं। ये जो विक्टोरिया हार्बर है, ये जो मैं अभी आप लोगों को पानी दिखाती आ रही हूँ ना, इसका साथ ही ये जो पूरी जगह है इसको विक्टोरिया हार्बर बोलते हैं। तो इसके साथ बिल्कुल ये एवेन्यू ऑफ स्टार्स है। ये देखें यहाँ पे के दो स्टैचूज हैं, एक को तो मुझे पता है ब्रूस ली और ये दूसरी का मुझे नहीं पता ये कौन सी है। ओके तो सबसे पहले तो ये है एवेन्यू ऑफ स्टार में। ये देखें जिनको इसमें इंटरेस्ट है वो इसको पॉज करके ये पढ़ लें, और देखें इस तरह से है ये। तो अब मैं यहाँ ये विक्टोरिया हार्बर की साइड पे पूरी वॉक करती हुई जा रही हूँ। ये वाली बड़ी ज़बरदस्त जगह है, तो देखें आप लोग ये सारे लोग कैसे भाग रहे हैं। और अक्सर यहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई वॉक कर रहा होता है, कोई रनिंग कर रहा होता है। ये देखें यहाँ पे इस तरह शाम को लोग भाग रहे होते हैं। तो ये बड़ी मज़े की हैबिट है लोगों की यहाँ पे कि वो एक्सरसाइज करते हैं, और हांगकॉन्गर्स आर फिटनेस फ्रीक। तो मुझे भी अभी शौक चढ़ा है, मैं भी रोज़ाना शाम को यहाँ पर आती हूँ रनिंग करने के लिए या जॉगिंग करने के लिए, तो एक अच्छी एक्टिविटी है। ये नाइट टाइम व्यू है यहाँ का, और अगर आपने कुछ स्टेशन पे जाना हो तो वहाँ फेरीज का रास्ता भी होता है, और उसके अलावा आप MTR से भी जा सकते हैं। आज के दिन का प्लान था मैंने आप लोगों को सेंट्रल लेकर जाना था, लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से मैं सेंट्रल जा नहीं सकी। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को सेंट्रल का विज़िट कराऊंगी। यहाँ हांगकॉन्ग में जो सेंट्रल का एरिया है वहाँ मेन कॉर्पोरेट हब है, वो भी काफ़ी अच्छी मज़े की जगह है, काफ़ी लाइवली सा है वहाँ। अक्सर मैंने टूरिस्ट देखे हैं तो उस स्पॉट पे भी ना मज़ा आता है जाने में बहुत, मतलब कुछ एरियाज़ होते हैं ना जो ज़रा लाइवली होते हैं रात के टाइम पर, तो वो उन एरियाज़ में आते हैं। तो आई शो यू दैट एज वेल। अच्छा जो मैं आप लोगों को बता रही थी एवेन्यू ऑफ स्टार्स के बारे में, ये देखें इस तरह से ये जो समंदर है इसके जो साइड पर उन्होंने ये लगाया हुआ है ना, यहाँ पर इन्होंने इस तरह की ये देखें हैंड प्रिंट्स लगाए हुए हैं। तो अब यहाँ पर एक्टर का नाम लिखा है, उसकी डिटेल लिखी हुई है, और यहाँ आप हाथ रखें तो आपको फॉर्च्यून मिलती है। तो ये इससे रिलेटेड है, और ये एक नहीं ये बहुत सारे हैं इस तरह से ना यहाँ पर। तो ये देखें और भी हैं डिफरेंट, इसके
बाद मैं गाना गा के देखूंगी मेरी आवाज कितनी सुरीली होती है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। जस्ट किडिंग। अगर आपने एक्ट्रेस और डायरेक्टर बनना है तो आप लोग जरूर यहाँ आके ब्लेसिंग ले लें। और इस तरह से ये देखें, ये सिर्फ एक्टर के लिए है। स्क्रिप्ट राइटर अगर किसी को बनना है ये उसके लिए। अगर किसी को कोरियोग्राफर बनना है तो ये उसके लिए। तो बस इस तरह से काफी सारे हैं ये, चलते जाओ जेब जितनी पूरी पट्टी बनी हुई है ना, जितनी भी इसके साइड पे, तो यहाँ पे ये पूरे एंड तक है। उसके अलावा यहाँ इतनी अच्छी चेयर्स लगी हुई हैं, तो आप लोग अगर आके यहाँ रात को बैठना चाहो आराम से बैठो, और ये देखिए यहाँ पे कॉफी शॉफी पी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अब तो मुझे फ्लू शुरू हो गया। और अच्छा वही मैंने जैकेट पहनी हुई है तो उससे थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अच्छी खासी जो है ना यहाँ पे सर्दी है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। एक मैं ब्रूस ली को ही तो जानती हूँ, वही मैंने आप लोग को दिखाना है, पता नहीं कितना रहेंगे। मतलब अगर मेरी एज के काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने उसकी मूवीज़ देखी हैं तो आप लोग उसको पहचान जाएं, बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस इनको तो हम नहीं जानते, तो मैंने सोचा चलो वो तो मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन वो बहुत आगे है तो मुझे वहाँ पे चल के जाना है। चले मैं भी भागती हूँ ज़रा सा, अब मैं भाग भाग के जा रही हूँ। तो फाइनली ब्रूस ली भी आ गया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड। वैसे मुझे यहाँ पे म्यूजिक रोजाना अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं वीलॉग बना रही हूँ, तो मुझे इतनी जोर जोर से बोलना पड़ रहा है। ये देखें मेरे पीछे है, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। अच्छा ये जो राइट पे ना ये पूरा स्टारबक्स है, और ये बना हुआ है ब्रूस ली का स्टैचू। पहले स्टैचू ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, पता नहीं किसने उसको शर्ट पहना दी है। पहले मुझे लगा किसी ने शरारत की है, लेकिन मैंने थॉट कि ऐसे कौन शरारत कर सकता है, यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे, तो मे बी इन लोगों ने खुद ही किया हो इसके साथ इस तरह। नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। अच्छा मैं आप लोग को यहाँ की आज की आखिरी चीज़ दिखा दूँ। बस यहाँ पे ना ये रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता, ये जो हार्बर वाला है, मतलब ये वहाँ से शुरू होता है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ देखते 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 जाएं तो ये बिल्कुल वो एंड तक जा रहा है। और उसके ऊपर ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं पूरा, ये उस ब्रिज से पूरा उस एंड तक भी जाता है, तो काफ़ी दूर तक जाता है। चलें जी अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, इस लाइट में तो मुझे जॉइंडस हो गया है। ओहो अब जो है मैं दूसरी तरफ से आई, वहाँ से थी और पूरा चक्कर मार के अभी यहाँ से वापस जा रही हूँ। तो अभी इस वक्त मैं ब्रिज के ऊपर हूँ और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें हांगकांग की सड़कें, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते, सबसे मज़े की बात है। और ये देखें ये वो K11 वाली बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है ये। ये देखिए कहाँ तक जा रही है, आसमान तक जा रही है। मैं आई हूँ थोड़ी सांस बाहर कर लूँ। इधर ऊपर का एरिया भी बड़ा प्यारा है, यहाँ पे भी उन्होंने छोटा सा पार्क बनाया हुआ है। तो इधर की मज़े की बात ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट को जो थोड़ा सा भी एरिया मिलता है उसको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं, पार्क बना देंगे, कुछ खूबसूरत सी जगह बना देंगे लोगों के लिए कि वो आके उसको देखें। और ऐसे कोई भी कॉर्नर मैंने यहाँ पे ना फालतू नहीं देखा कि वो खाली जगह हो और ऐसी पड़ी हो, क्योंकि वैसे तो ये कि हांगकांग में जो रेजिडेंस हैं काफ़ी छोटी छोटी जगहें होती हैं, लोगों के जो रहने के स्पेसेस हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, ओवरली एक्सपेंसिव कहना चाहिए। और यहाँ पर जो जगह है ना वो जो रूम्स मिलते हैं आपको वो भी जो है स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलते हैं। भाई इन तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। लोग यहाँ पे इवन कैप्सूल्स तक में रहते हैं, जो सिंगल लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो, ताकि उनको थोड़ा सा जो है वो रीजनेबल पड़े। तो
अच्छा, और उसके अलावा ये कि यहाँ से जितना दूर जाते जाओगे ना, उतना आपको जो रेंट है वो थोड़ा कम होगा और थोड़ी बड़ी जगह मिल जाएगी। अच्छा, अभी मैं स्टेयर्स उतर रही हूँ। ये हांगकांग के बारे में अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यहाँ हर जगह सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। मैं एक दिन में पता नहीं कितनी स्टेयर्स चढ़ती हूँ जब भी कहीं बाहर निकलती हूँ, ना चाहते हुए भी ना स्टेयर्स चढ़नी पड़ जाती हैं। और वो आ गया वेलकम स्टोर, ये स्टोर बड़ा अच्छा है। माई हैंड्स आर लिटरली फ्रीजिंग राइट नाउ। तो बस अभी मैं घर जा रही हूँ, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप, और अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।